जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद। जल्दी आप जमानत पर रिहा हुए हैं, आज क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण के बारे में? पूरा प्रकरण यह है, 19 मार्च को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई, मैं स्टेशन गया जीआरपी आरपीएफ को लेकर के, धर्मांतरण की सूचना थी। जो सूचना देने वाले लोग थे वो भी उस ट्रेन से उतरे, उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। मैं पहुंचा, जीआरपी आरपीएफ ने उन लोगों को उतारा, कुछ समय जांच उपरांत उन्हें सही पाया तो उन्हें जाने दिया गया। उसके बाद उस प्रकरण को लेकर के केरल के मुख्यमंत्री जी ने गृहमंत्री जी को पत्र लिखा, राहुल गांधी जी, मायावती जी, अखिलेश यादव जी और प्रियंका जी ने ट्वीट किया कि इस प्रकार की घटना हो गई है और प्रधानमंत्री जी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मेरे पास आदेश आया, आदेश आने के बाद में हम तुरंत नवाबाद थाने पहुंचे और हमें केरल का चुनाव, चूंकि 6 तारीख को था और चुनाव संपन्न होने तक के लिए हमसे कहा गया था, हमको निरुद्ध किया गया। प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और हमारे योगी जी का आदेश था, मुख्यमंत्री जी का, तो हम गए। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि आज भी प्रतिदिन देश के अंदर 1400 लोगों का, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का धर्मांतरण ईसाई मिशनरीज द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो एक बात आई महिला सम्मान की, महिलाओं का हम लोग कितना सम्मान करते हैं यह पूरा झांसी जानता है। इस झांसी के अंदर 27 मिलन केंद्र और संस्कार केंद्र हम लोग चलाते हैं। हम लोगों के द्वारा 16 संस्कारों से सहित महिलाओं को किस तरह से सम्मान देना है उसकी शिक्षा दी जाती है। और स्टेशन पर उतारने से लेकर के जीआरपी थाने ले जाने तक 12 पुलिस के जवान, मैं महिला कांस्टेबल थे। किसी भी प्रकार की कोई भी अभद्रता या किसी भी प्रकार की कोई भी बदतमीजी किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं की गई है। चूंकि केरल में चुनाव था, मुख्यमंत्री जी द्वारा वहाँ पर ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है, उसको भुनाने के लिए इसको चुनावी मुद्दा बना करके हम लोगों के खिलाफ इसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। हिंदुत्व की लड़ाई आगे भी इसी से और तेजी के साथ में जारी रहेगी।